अरुण भाई आपसे एक दो चीजें जरा समझ लूं। आप दिल्ली के हैं, आम आदमी पार्टी को खूब प्रत्यक्ष उसको देखते हैं, उसकी वर्किंग देखते हैं। एक तो जो सबसे पहली बात यह है कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी और पार्टी के मुकाबले ज्यादा टैक्स सेवी है। आम आदमी पार्टी के वो पढ़े लिखे यंगस्टर्स के जो टैक्स सेवी बच्चे हैं उनकी फौज ज्यादा बड़ी है इस देश में, इवन इंक्लूडिंग बीजेपी से ज्यादा। पहली बात। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल साहब का एक इंसिस्टेंस जो उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो एज चीफ मिनिस्टर जेल से फंक्शन करेंगे। अब एक कुछ इस तरह की बात आएगी कि भाई आप जेल से चीफ मिनिस्टर होके कैसे कर सकते हैं, और शायद प्रेसिडेंट रूल लागू करने की बात हो। फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन होने हैं। ये जो 7 सीटें आ गई थी बीजेपी की, अगर उन्होंने इस तरह की कोई हरकत की, क्योंकि अल्टीमेटली तो फिर जाना स्टेट उसमें ही है आपको, इलेक्शन में ही, तो वो कैलकुलेटेड हैं अरविंद केजरीवाल साहब, वो इस चीजों को समझते हैं और शायद वो फोर्स कर रहे हैं दिल्ली अरे केंद्र सरकार को कि प्रेसिडेंट रूल लगाओ। दूसरा, मैं इसी से एक और रिलेटेड चीज आपको कर लूं। इतने दिनों से हम और आप अरविंद केजरीवाल साहब को जानते हैं, उनकी कुछ नीतियों से मैं मुझे एक मत नहीं हूं, लेकिन उनकी ये ईमानदारी में मैं बिल्कुल वो हूँ, क्योंकि उनके पीछे बहुत लोग लगे थे। जब ढूंढा गया था तो उन्होंने कोई कंप्यूटर का पर्सनल लोन लिया था, जो उन्होंने कहा था कि ये नहीं दिया है, जब उन्होंने वो 30,000 या कितना था, और वो जब जब उन्होंने रिजाइन किया तो उस पैसे से जो भी मिला था उससे वो चुका दिया गया था। एक अजीब सी चीज है कि आज ईडी ने ये कहा है कि जब उनके घर से फिर से आज जब ढूंढा गया और सब छानबीन हुई तो 150 पेज की एक फाइल मिली है। अरविंद केजरीवाल पिछले 10 मतलब पिछले कम से कम 2-3 महीने से उनको ये पता था कि वो गिरफ्तार होने वाले, गिरफ्तार होने वाले, गिरफ्तार होने वाले। उनके यहां से ऐसी फाइल मिली है जो ईडी कह रही है बिल्कुल इसमें सारे डॉक्यूमेंट है, सब लिखा हुआ है सब। तो उसमें ये बताया गया है कि दो ईडी के जो लोग हैं उनके भी डॉक्यूमेंट, उनके ऊपर उनके भी कागज हैं कि क्या क्या वो कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। मैं इस बात को किसी कारण से कह रहा हूं, अगर अरविंद केजरीवाल से वो फाइल वहां से मिली है तो प्राइमा फेसिया मैं मानूंगा कि अरविंद केजरीवाल साहब ने वहां ये फाइल छोड़ी थी कि तुम्हें मिले। उन्होंने इसलिए नहीं किया था कि तुम उनको खोज लाए हो, क्योंकि कम से कम मैं आईआईटी का मैं बहुत बड़ा सम्मान करता हूं। हम लोग के समय में आईआईटी से बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता था। आईआईटी का अगर कोई इंजीनियर है तो वो इसलिए नहीं छोड़ गया है कि उनको एक कोई, जैसी वो कहानी सुनाते हैं कि एक इस तरह के एंटायर पॉलिटिकल साइंस का कोई आदमी आएगा और उसको ढूंढ लेगा। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं अरुण जी, मैं नाम भाई ये क्योंकि सोर्स मैंने खुद नहीं है, ये बिल्कुल जग जाहिर है और बहुत से लोगों को ये पता है कि एक बड़ा बड़े नेता जब उनको ईडी ने बुलाया तो ईडी चूंकि सारी कार्रवाई जो होती है वो रिकॉर्ड होती रहती है, तो वहां उन्होंने एक टैक्टिस की थी। वो जब उनसे पूछा है कि अच्छा अरुण जी आप कहां से, आप करोलबाग से आ रहे हो, तो अरुण जी जवाब में एक केंद्र सरकार के एक एक नेता और उनके लड़के का नाम लेते थे हर उसमें, मैं सुनील शुक्ला जी और उनके लड़के। तो कहते भाई सुनील शुक्ला जी से क्या मतलब है, वो हर चीज में कहते थे कि सुनील शुक्ला जी और उनके लड़के ने ये कहा था कि यहाँ चले। अरे वो कहते थे, उनको दिन भर रखा गया, उसके बाद उनसे कहा गया इनको बुलाओ मत यार, क्योंकि ये तो हर बात में उस मंत्री और उसके लड़के का नाम ले रहे हैं, वो एविडेंस के तौर पे उसका नाम आना नहीं चाहिए, तो उनको बुलाना ही बंद कर दिया गया। उसने एक बार में, वो सज्जन भी वकील है वो सब। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल के घर से अगर 150 पेज की फाइल मिली है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ईडी के कुछ लोगों के उसमें नाम है और उनके कुछ कुछ डिटेल्स हैं, तो आपको क्या लगता है ये महासंयोग है या अरविंद केजरीवाल ये जो चूहे बिल्ली का खेल है उसमें एक बार फिर से वन अप है? अरुण कुमार शर्मा सर। जी सर, सर आपने बड़े भारी भरकम सवाल पूछ लिए मेरे से। मैं थोड़ा माहौल को हल्का कर देता हूं। जी, वो ये कि आपने स्लोगन रखा, हजूर बहुत देर कर दी आपने। सर ये कौन सी पिक्चर का गाना है आपको याद है? ये तबायब पिक्चर का गाना है, 1985 में आई थी, और इसको जो है लिखा था हसन कमाल साहब ने, और म्यूजिक था इसका रवि का, और इसके अंदर बड़ी अच्छी जो है वो दी गई है कि
हजूर आते आते बहुत देर कर दी, मसीहा मेरे तूने बीमारे गम की दवा लाते लाते बहुत देर कर दी, दवा लाते लाते बहुत देर कर दी, मोहब्बत के दो बोल सुनने ना पाए, वफाओं के दो फूल चुनने ना पाए, मोहब्बत के दो बोल सुनने ना पाए। सर ये मोहब्बत के जो दो फूल है ना, ये आपको तो पता है कौन दे रहा है, ये तो मोदी जी दे रहे हैं। और मोदी जी असल में कांग्रेस और आप पार्टी को ताकत दे रहे हैं। जैसे मैं डॉक्टर के पास गया, उसने कहा शर्मा जी अंदर से बहुत कमजोरी है। तो मैंने पूछा क्या किया जाए, तो बोले कि आप विटामिन की गोली खाओ, B1 B6 B12 प्रोटीन। तो मैंने वो लेनी शुरू कर दी, मेरी कमजोरी दूर हो गई। या उन्होंने कहा कि आप खुश रहा करो, आपकी उम्र ज्यादा हो गई, नौजवानों को जप्फी मारा करो प्रेम की। तो सर ये मोदी जी ने प्रेम की जप्फी मारी अरविंद केजरीवाल को, बहुत दिनों से मारी नहीं थी उन्होंने जप्फी। अब मैं आता हूं आपके सवालों के जवाब पर। सर पहला क्वेश्चन आपने पूछा आप पार्टी के कार्यकर्ता, सर मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपके चैनल पर एक बार पहले भी बताया था कि 70,000 कार्यकर्ता पेड अनपेड या फॉलोवर्स दिन रात अरविंद केजरीवाल जी का काम करते हैं। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1,000 कार्यकर्ता है जो उनके साथ दिन रात लगा हुआ है। उसका प्रमाण ये है कि पहले बार में वो 67 सीट लाते हैं, चैलेंज करके दूसरी बार 62 सीट लाते हैं, चैलेंज करते हैं MCD में वो ले जाते हैं अपनी सरकार बनाकर, फिर वहां से झगड़ा होता है, मेयर को ले जाते हैं बनाकर, और शैली वहां पर आ जाती है मेयर बनके। तो ये पहली आपकी बात का जवाब ये है कि उनके कार्यकर्ता डेडिकेटेड हैं। उसका कारण है कि उन्होंने महिलाओं को फ्री बस सर्विस दे रखी है। जो महिलाएं बेचारी घरों में काम करने जाती है, उनका किराया लगता था, उनकी बचत हो रही है। 200 यूनिट बिजली के फ्री दे रहे हैं, 400 यूनिट हाफ रेट दे रहे हैं, और पानी का बिल जो है वो 20,000 जो लीटर है वो फ्री में दे रहे हैं। अब मैं आपकी दूसरी बात का जवाब देता हूं कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल जाकर जेल से चलाएंगे क्या राज्य? बिल्कुल चलाएंगे सर, कहां कानूनी दिक्कत कहां है मुझे बताएं आप, कोई कानूनी दिक्कत नहीं है। वो बात ठीक है कि आपको रोज रोज जो वहां के जेलर होते हैं, जो जेल सुप्रिंटेंडेंट होते हैं, उनको आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, और वो तो दिल्ली गवर्नमेंट के दानिशी तो होते हैं, वो डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के ही तो आदमी होते हैं, और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, इस तरह की परमिशन मिलती है। आपने तीसरी बात कही कि जो 7 MP हैं वो हारेंगे, उनके हारने का कारण मोदी जी ने स्वयं बना के दिया है। और एक राज की बात आपको बता देता हूं, कॉरपोरेशन के अंदर वो 7 मेंबर ऑलरेडी मेंबर होते हैं, जो भी MP होगा वो कॉरपोरेशन की जो जोनल कमेटी होती है उसमें भी वोट करते हैं, जो सेंट्रल कमेटी होती है स्टैंडिंग कमेटी होती है उसमें भी जाकर वोट करते हैं। इसलिए भी अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि ये 7 मेंबर उनके आए। आपको चंडीगढ़ का सीन याद होगा कि वो कौन मैडम गई थी वहां पर वोट करने के लिए और वहां पर क्या नतीजा निकला। आपने तीसरी बात पूछी है कि ये कंप्यूटर वाला जो मांगा है और आपने उसको जोड़ा 150 पेज की फाइल के साथ, सर अरविंद केजरीवाल के घर पर हजारों फाइल होती है, हजारों, और वो उनको साइन करके भेजते हैं, और झगड़ा तो यहीं से शुरू होता है जब दानिक्स ये कह देते हैं कि सर हम आपकी मंगाई हुई फाइल तो नहीं ला सकते, हम क्यों लेके आए? क्योंकि हमारे ऊपर LG साहब का डंडा है, LG से पूछकर फाइल जाएगी। तो वहां पर जहां तबादला नहीं कर पाते इंटरनल, जो वहां पे मैं बता देता हूं दानिक्स किस लेवल पर होते हैं, एक तो वो होते हैं सिल्टेक्स अफसर, मतलब जो आजकल GST चल रहा है वो GST ऑफिसर होते हैं, और उसी लेवल पर SDO होते हैं, उसी लेवल पर AO होते हैं, उसी लेवल पर हमारे जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं वहां पर जो उनका हेड होता है वो उसी लेवल पर होता है, और जेल सुप्रिंटेंडेंट भी उसी लेवल का होता है। अब मानने वाली बात ये है कि जो शीला दीक्षित जी ने किया और जो उनके बेटे संदीप ने किया वो तो सबको पता है, उनकी कोई कॉन्ट्रावर्सी नहीं है, और वो ऐसी महिला थी कि वो चीफ सेक्रेटरी के कंधे पर हाथ रखकर पूछती थी क्यों बेटा इस फाइल पे साइन हुए क्यों नहीं हुए, MHA आपके साथ चलूं क्या, और वो वहां से काम करवा के ले आती थी।
और संदीप दीक्षित बहुत की रोल करने वाले हैं इन इलेक्शंस में। उसका कारण है बहुत सारा मेटीरियल उनके पास तैयार है। जमुना पार में वो दो बार एमपी रह चुके और ये वही अरविंदर सिंह लवली हैं जिन्होंने 28 सीटों के रहते अरविंद केजरीवाल को सरकार बनाने का मौका दिया। तो मेरा मानना ये है कि ये अंडरस्टैंडिंग नई नहीं है, ये पुरानी है सर, ये 2013 के समय की है। और ये अरविंद केजरीवाल और अरविंदर सिंह लवली की केमिस्ट्री जो है ये इतनी अच्छी है, अगर अनिल चौधरी होते तो हो सकता है शायद ये प्रोग्राम ना हो पाता। अनिल चौधरी मेरे बड़े अच्छे मित्रों में से हैं, अरविंदर सिंह लवली मेरे बड़े अच्छे मित्रों में से हैं, और मैंने तो उनको कहा भी, मैंने कहा आप तो, आपको राहुल जी ने माफ कर दिया जब आपने ये कहा था कि ये तो कांग्रेस मरी हुई बंदरिया के बच्चे को छाती से लिपटाए बैठी है। तो मुझे वो कई बार उल्हाना भी देते हैं कि शर्मा जी आप बहुत साफ गोई से बात करते हैं। अरे भाई जब राहुल जी ने आपको माफ कर दिया तो अरविंदर सिंह लवली वो करके दिखाने वाले हैं जो इतिहास में कभी पहले नहीं हुआ होगा। ये केमिस्ट्री बहुत अच्छी जाएगी, 7 सीट ये वाली, 13 सीट पंजाब की, फ्रेंडली जो है कॉन्टेस्ट होगा। और अरविंद केजरीवाल के लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, 40 लाख लोग सर सड़कों पर रहते हैं, जिनके वोटर आई कार्ड बनवाए गए, जिनके राशन कार्ड बनवाए गए, जिनको दवा दारू मूविंग डिस्पेंसरी देती है, जो रात्रि के शेल्टर होते हैं जो बेघर लोगों को दिए जाते हैं, वहां पर खाने का इंतजाम किया गया है। अरविंद केजरीवाल जी ने सारे इंतजाम ये कर लिए थे बहुत पहले। अब उनको राज करते हुए अगर आप 2015 से भी लगाओ तो करीब 9 साल उनको हो गए, 3 बार चीफ मिनिस्टर बन चुके, वो IRS रहे हैं और कानून की बारीकियों को मुझे लगता है वो कम से कम मेरे से तो ज्यादा अच्छा जानते हैं, आपसे अच्छा भला ना जानते हो वो बात दूसरी है। परंतु मेरा मानना ये है कि ये जो चूहे बिल्ली वाला खेल है ना सर, ये चूहे बिल्ली वाला खेल रहा नहीं है। अब ये खेल हो गया कि जो सांप होता है वो चूहे के बिल में जाता है, दुनिया में आड़ा तिरछा बिचरता है, परंतु जो चूहे के बिल में जाता है तो बिल्कुल सीधा जाता है। तो अरविंद जी ने सांप को मजबूर कर दिया कि भाई साहब आप मेरी बिल में आओ तो बिल्कुल सीधे सीधे आना, ये आड़े तिरछे जाना आपको मंजूर नहीं है, क्योंकि आप जा ही नहीं पाओगे, बिल वैसी होती ही नहीं है। और मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट उनको राहत देने वाला है, अगर राहत नहीं भी देगा तो वो भारत सरकार के लिए मुश्किल डालने वाले हैं। उनको कानून सारे पता है, बहुत इंटेलेक्चुअल टाइप के आदमी है, IRS पास करना कोई खाला जी का खेल नहीं है, और अरविंद केजरीवाल कोई चिड़िया का बच्चा नहीं है जिसको डिब्बी में बंद करके रख लोगे। सर इतना लायक आदमी, इतना सब कुछ ऊंच नीच समझने वाला आदमी, जो कि पहली पारी में उनका इक्वेशन नहीं बन पाया था, कुछ बेवकूफियां की उन्होंने, उसमें सुधार किया, रेक्टिफिकेशन हुई, आज वो परिपक्व राजनैतिक हैं। और आपने एक जेल की बात कही थी सर, मैं आपको याद करा देता हूं, 8 महीने मैं भी जेल में रहा और मैं राजनैतिक कैदी था, मुझे स्वतंत्रता थी, मैं एक वार्ड से दूसरे वार्ड जा सकता था। अरुण जेटली मेरे बड़े अच्छे मित्रों में से रहे हैं, उनके साथ बैठकर गंभीर बातचीत भी होती थी, और युवा लोकतांत्रिक मोर्चा का मैं अध्यक्ष हुआ करता था जमुना पार का। बहुत सारे ये जो हेमंत बिश्नोई हुआ करते थे अरुण जेटली के साथ जनरल सेक्रेटरी, ये मेरे साथ ही जेल में थे। मेरे ससुर रहे जेल में, मेरे पिताजी 19 महीने रहे, 2 महीने मेरी माता जी रही, 8 महीने मैं रहा। जेएन मेलवन में राजनीतिक कैदी को किस अच्छे व्यवहार से नवाजा जाता है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और सबको पता होता है ये कोई अपराध कर नहीं आए, ये तो एजुटेशन करके आए। मैं बहुत बार जेल गया हूँ, 2-2, 3-3 दिन के लिए, धारा 144 तोड़ने के लिए। तो सर मेरा मानना यह है अरविंद केजरीवाल ने इस जीत को पहले ही दर्ज कर लिया, जो 4 जून को आपको रिजल्ट के रूप में सामने आनी थी। आप भी उसके कायल हो रहे हैं, हमारे बैठे हुए पैनल के लोग भी उनका लोहा मान रहे हैं। तो मेरा मानना यह है ये उपहार मोदी जी ने दिया है, थैंक यू मोदी जी, आप वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। बहुत बहुत आपका धन्यवाद मोदी जी।